हाय दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्प बॉक्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि यूपीएस जो कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है और दूसरा काम के लिए भी, उसमें बैटरी कैसे रिप्लेस करते हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि इस बटन पे आप अगर हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हेल्प बॉक्स हिंदी, तो आगे हम जो भी अच्छा वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा या देखने में आसानी होगी। तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यूपीएस जिसका मेन फंक्शन होता है एक तो बैटरी, जिसमें पावर कंज्यूम होता है। तो अगर बैटरी को रिप्लेस करना है तो यूपीएस को पहले उल्टा करना होगा। यहाँ पर 4 ठो स्क्रू रहता है, 4 ठो या 6 ठो, यहाँ पर 4 ठो है। तो पहले इस 4 स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलना होगा। हाँ, मैंने 4 ठो स्क्रू खोल दिया, अभी इसको सीधा करेंगे। हाँ, 4 ठो स्क्रू देखिए निकल गया, 4 ठो स्क्रू। इसको साइड में रख देंगे कि कोई खो ना जाए, और इसको सीधा करेंगे। हाँ, इसका ऊपर साइड है ये ओपन होगा, और सामने साइड यहाँ पर एक लॉक रहता है। तो थोड़ा धीरे से इसको ओपन कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक का है, टूट सकता है कभी भी। तो धीरे से इसको ओपन कीजिए। हाँ, देखिए ये ओपन हो गया। और एक बात जरूर ख्याल रखें, क्योंकि ये ऑन पोजीशन में है, तो अगर है तो इस बोर्ड को कभी ना छुए। ये मेन पावर सप्लाई बोर्ड है और ये है आपका ट्रांसफार्मर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बैटरी का कनेक्शन है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब ये रेड और ब्लू ब्लैक। तो इसको खोल देना है। आप इसको पुल करेंगे तो ये खोल जाएगा। सबसे पहला काम यही करना है, क्योंकि यहाँ पर शॉक का चांस होता है, शॉक खाने का। तो इसको पहले खोल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक लॉक है, वैसे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी उसके बाद ओपन करना है। हाँ, लॉक अभी ओपन हो गया। इसको ओपन कर देते हैं और बैटरी को बस थोड़ा सा यहाँ से खींच के उठा लेना है बस। ये जो बैटरी है ये होता है 12 वोल्ट का और 6 या 7 एम्पियर आवर का होता है। मतलब 12V एंड 6 और 7H। उस बैटरी को मार्केट से आप खरीद सकते हैं, मार्केट में किसी भी दुकान पे ये मिल जाएगा, बैटरी का जो दुकान है। और जो बैटरी का दुकान में अगर आप बोलेंगे कि यूपीएस का बैटरी चाहिए, तब भी आपको दुकानदार दे देगा। और यहाँ पे जो है ये ट्रांसफार्मर है। अब आइए नया बैटरी को लगाते हैं। यहाँ पर ये है मेरा नया बैटरी फॉक्सिंग का, देखिए ये 12 वोल्ट 7 एम्पियर आवर का है। आइए इसको इसमें फिट करते हैं। नया बैटरी को, हाँ, पहले इसको यहाँ पर लगाना है, फिट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो लॉक था, बहुत इजी प्रोसेस है, आप घर में कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको मार्केट में दुकानदार से फिट कराएंगे तो बैटरी का दाम तो लेगा ही, उसके साथ फिटिंग चार्ज जो है, मतलब लगभग 250 से 300 रुपये वो आपसे ले लेगा, ये 5 मिनट के काम के लिए। अगर आपके पास सिर्फ एक तो घर में स्क्रू ड्राइवर तो होगा ही, उससे ये काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी कर सकता है। हाँ, बैटरी तो फिट हो गया। अभी आप जो जैसा था, मतलब रेड में जो रेड कलर का वायर है उसको डाल देना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ब्लैक है, उस ब्लैक पार्ट में ब्लैक कलर का डाल देना है बस। अब इसको जैसा था वैसा ही फिट कर देते हैं। बहुत ही इजी है, बस इसको यहाँ से जैसा था वैसा ही पहले इसको लगा लीजिए। ये करते
कर रहा हूँ अभी तक। हाँ अब ये फिट हो गया है, अभी इसको उल्टा करते हैं। यहाँ पे जो स्क्रू था चार ठो, वो चार ठो स्क्रू यहाँ पर फिर से टाइट कर देना है, चार ठो स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो ये स्क्रू फिटिंग हो गया और मेरा यूपीएस का बैटरी भी रिप्लेस हो गया। और दूसरा भी इसमें खराबी होता है कि कभी कभी यहाँ पे जो होता है, ये देखिए ये जो फ्यूज़ का ऑप्शन है, ये फ्यूज़ कट जाता है तो नहीं चलता है। तो फ्यूज़ को अगर रिप्लेस करना बहुत आसान है, इसको घुमाइए और यहाँ पर देखिए ये फ्यूज़ है और इसको चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए एक तो अंदर में एक तो वायर है, अगर ये काटा होगा या जला होगा तो मतलब फ्यूज़ टूट गया है। तो मार्केट से आप ख़रीद के इसको लगा लीजिए, 2 रुपये या 3 रुपये इसका दाम है। मतलब ये भी खोल जाएगा यहाँ से, अभी टाइट हो गया है तो ये भी खोल जाता है। तो 2 रुपये 3 रुपये उसमें बाहर में ग्लास रहता है, उसको चेंज कर दीजिए बस इसमें, उसके बाद फिर से डाल दीजिए तो आपका जो यूपीएस है वो ओके हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यूपीएस में बैटरी रिप्लेस करने का तरीका। बहुत आसानी है, आसान है, आप घर में कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल हेल्प बॉक्स हिंदी में नीचे दिए गए रेड जो बटन है सब्सक्राइब बटन, उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।